साहबजादे सन आपके बेटे 14 से 14 थे, 14 बेटिया के नाँ लिखे ने, तवज्जो करिया जी, 14 बेटिया के नाँ लिखे ने मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने। उन्हें 14 बेटिया के नाँ जेडे इन्ह लिखे ने, अगर हूँ कोई मेरे इतराज करेगा ना, मेरे ते ना करे, अगर इस वजह तू मैं इस वजह तू मेरे इतराज करे लै तू कि गल पे करना है, पहले कम अज कम झांक लवे कि गल लिखता कौन पे है। तुहाडे खुद मुहद्दिस मुफक्किर शुमार होंगे ने, और आले सुन्नत दे अंदर इन्हां दा नाम है कि ना शुरुआत लिखियां ने, तफसीर भी कीती है। हुण मैं वेखना ना भी किहड़ा किहड़ा बंदा जिहड़ा है वह इन्हां नूं जिहड़ा ना यजीदी आखदा। हुण लग सुर जावेगी इमाम हसन पाक दे बेटियां दे नाम। इमाम हसन अबू मुहम्मद रजी अल्लाह तआला अनहो बेटे आप दे सन 14, हसन मुसन्ना, हुसैन, तलहा, इस्माइल, अब्दुल्लाह, हमजा, याकूब, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह, अबू बकर, कासिम, उमर, यजीद। वेख लो तवज्जो दे नाल की नाम लिखा होया है, यजीद, जैद, उमर, कासिम, अब्दुल्लाह, ये नाम लिखे ने जी मुफ्ती अहमद यार खानैमी ने। हुण की कहोगे मुफ्ती साहब की तहकीक फर्क है, या की कहोगे मुफ्ती साहब यजीदी हो गए ने, यजीद का दिफा कर दिया। लै हुण हसन पाक के पुत्र का ना यार यजीद लिख दिता है, नहीं, साडा मुफ्ती नाल कोई ताल्लुक नहीं। कहोगे हुण बरमला ऐलान करेगा हनीफ कुरैशी भी, शफीक चिश्ती गग्गो मंडी वाला भी, बदर मुनीर जिन्हों बंदर मुनीर मैं कहना, बंदर खनजीर, वह भी ऐलान करेगा मेरा मुफ्ती अहमद यार खानैमी नाल कोई ताल्लुक नहीं। जिन्हें भी राजी ने हुजरा टोले वाला ये भी कहेंगे, जेडे भी है ना जो उस बकवास करते हैं, सारे ऐलान करो कि साडा मुफ्ती अहमद यार खानैमी नाल कोई ताल्लुक नहीं। इन्ना क्यों हसन पाक दे बेटे का नाँ यजीद लिख छड़े है जब इन्हें ना साडा कोई ताल्लुक नहीं, सानू ऐलान जेड़ा ना पहुँचना चाहिए। दूसरा इमाम हसन पाक दे बेटे का नाँ की लिखे है, यजीद लिखे है। थले आओ इमाम हुसैन पाक दे बेटे, इमाम हुसैन पाक दे 11 बेटे सन, तवज्जो दे नाल, आबिद, अली, अली अकबर, अली असगर, जैद, इब्राहिम, मुहम्मद, हमजा, अबू बकर, जाफिर, यजीद। कहो मुफ्ती अहमद यार खान यजीदी कहो ना, उन्हें लिखा है, हाल तो मैं अगे गल करनी है, तवज्जो करे जी, इन्हें लिखे है मुफ्ती अहमद यार खानैमी ने कि इमाम हुसैन के बेटे का नाम भी यजीद सी। हुण मेरा यह मकसद नहीं कि मैं यजीद का दिफा कर रहा, यजीद पलीत का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं गल करने यार कर रहा, लेकिन मैं गल करने यार असा ये शरी हैसियत बयान च की यजीदी हो गए। हुण मैं थोड़े को सवाल करना, तो जेडे इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अनहुमा, इन्हें जेडे यजीद अपने बेटिया के नाम रखे ने, इन्हों के बारे की ख्याल है, इमाम हसन पाक के बारे और इमाम हुसैन के बारे, क्या ये फतवा किधरे उधर भी तो नहीं लौटेगा जो साडे वाले आ रहे, असी यजीदी हैं ना, आया कि यह तुहाडा फतवा उत्ते भी जाएगा या नहीं जाएगा, मुफ्ती अहमद यार खानैमी ते आएगा या नहीं आएगा, इन्हों की तहकीक ते आएगा या नहीं आएगा। अगर इन्हों की तहकीक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर जरूर भी जरूर तुहाडा कमीना फतवा इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन ते जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने बेटिया के नाम यजीद रखे ने। फिर इमाम हसन पाक भी यजीदी हो गए, हुसैन पाक भी यजीदी हो गए, तो सदके जावा तुहाडे वर्गे हुसैनिया तो जिहड़े यहूद नवाज, यहूद परस्त, यहूदी की तलीम पढ़ के, तो यहूदी का निज़ाम अपना के, तो हुसैनी बैठे बने बैठे हो, अज हुसैन पाक आ जाए ना, तो तुहाडे वर्गे हुसैनिया एक एक फड़ के, तो वो तुहाडी मुरम्मत करनगे, तुहाडे नानके दादके याद रखन भी असीं हुसैनी आ, तो हुसैन साडे नाल पे ये करदे ने, हुसैन जाणदे ने, उह नावां दे नाल नहीं हुंदा, असल मेरे नाने दे दीन नूं जिहड़ा तुसीं रुलाई खड़ोते हो ना, कि मेरे नाने दी दीन दी जगह दे उत्ते जिहड़ा यहूदी दा निज़ाम चलाई खलोते हो, तो यहूदी दे निज़ाम दे अंदर आए खलो, जमहूरीयत दे अंदर, स्कूली तलीम दे अंदर, वोटां दे अंदर, ये ना मेरे नाने कीता, ना मेरे यारां साहबा कीता, ना मेरे भाई हसन कीता, ना असा कीता, तो ना किसे इस्लाम दी तारीख दे अंदर कीता जिहड़ा तुसां जुल्म इस्लाम दे उत्ते पे करदे हो। समझ आई है ना, इमाम हुसैन इस्लाम प्यारा है, समझ आई है, नाम वगैरह दा उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं। हुण मैं पूछना, जिहड़ा इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक दे बेटे दा नाम यजीद है, अगर कोई इस वजह तो कोई यजीद नाम रख लवे क्योंकि बेटे हजरत हसन पाक दे ते इमाम हुसैन पाक दे बेटे दा नाम यजीद है, तो मुड़ जनाब की ख्याल है, यजीदी बन जाएगा या हुसैनी शुमार होगा? इन्हें जवाब मैं जरूर दे।